आपके लिए लेके आई हूँ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का सिलेबस BBMQ का। BBU का सिलेबस हमने देख लिया है, उस पर हम लोग पढ़ भी रहे हैं, और ये BBMQ का है। इस पर मैं सिलेबस आज बता रही हूँ, और वीडियो भी आज आ जाएगा आपका, फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 65 लिखा हुआ भी है, और यहाँ पर सेमेस्टर 2 भी लिखा हुआ है ना, ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये भी दिया हुआ है कि ऑल कंस्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेजेस अंडर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आएंगे सब यही सिलेबस को फॉलो करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आएंगे सब इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से जो चेयरपर्सन है वो सब लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ बोर्ड भी दिया हुआ है, वो आप सबको ध्यान नहीं देना, ध्यान देना आपको यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपका सेमेस्टर 2 है, सब्जेक्ट का नेम दे दिया है, सब्जेक्ट का कोड है 65, क्रेडिट 2 है, टीचिंग आवर्स 30 है ना। यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, पासिंग मार्क्स 140 है, टाइम 3 आवर्स है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जिस तरह से नॉर्मल पेपर होता है सब्जेक्टिव में उस तरह से होगा। VBU में जो था वो ऑब्जेक्टिव है, MCQ है सारे, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको सारे लिखने हैं, और कैसे लिखना है वो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ए कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, यहाँ पे जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना उस टाइप के रहेंगे 10 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 5-5 मार्क्स के रहेंगे, तो ग्रुप ए में आपके टोटल 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और आंसर ये है कि 6 जो रहेगा ग्रुप बी में रहेगा, 6 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन है इसको बड़ा बड़ा रहेगा उसको लिखना है, और ये चारों क्वेश्चन जो है आपका 20-20 नंबर का रहेगा, तो 20 के 80 और ग्रुप ए में 20, इस तरह से आपका 100 नंबर हो जाता है। यहाँ पे बोल रखी है अपने वर्ड में ही आंसर देना है ये, और सारे सब पार्ट्स का आंसर आपको एक जगह लिखना है, ये सारे कुछ आपके इंडिकेशन है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ से आपका देखिए सिलेबस आपका यहाँ से है, क्या दिया हुआ आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका ये है कि सिलेबस यूनिट 1 में आपका लॉजिक है, लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव टोटोलॉजी, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों ये जो पूरा सिलेबस है ना ये सेम टू सेम यूनिट 1 जो है आपका VBU के जैसा दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इस BBMQ में यहाँ पे यूनिट 1 नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये आपका पूरा सेम टू सेम मिल रहा है VBU से, और क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से नोट्स लिखवाया है, लेकिन वहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम देना है MCQ में, तो वहाँ पे आप सारे नोट्स को उतार सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके इस यहाँ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारे जो नोट्स हैं मैंने अच्छे तरीके से लिखवाए हैं, और वहाँ पे नोट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, BBMQ में नोट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको लिखना है सब्जेक्टिव आंसर, तो मैंने हर किसी को डिफ़ाइन किया अच्छे तरीके से और सबको लिखा है। तो यूनिट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो यूनिट 1 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट 2 में क्या क्या है चलिए देखिए, यूनिट 2 में है सेट्स, सेट्स ये चैप्टर का नाम सेट्स है, सेट्स के अंदर आपको पढ़ना है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो ये मैंने बिल्कुल पढ़ा दिया है। एम्प्टी सेट नहीं पढ़ाया है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट नहीं पढ़ाया, इक्वल सेट नहीं पढ़ाया है, सब्जेक्ट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो ये मैंने कवर कर दिया है ना, तो जो मैंने कवर कर दिया वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, और डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो जिसको भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया ना वो सारे मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 2 के अंदर, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, और सारे का मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊँगी एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्योंकि मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा दिया, तो आप जाके VBU में वहाँ पे प्लेलिस्ट है एक CC5 का मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस के नाम से, वहाँ पे आप जाके टॉपिक ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इसके लिए तो वीडियो लेके आ रही हूँ यूनिट 2 के लिए, तो आप वहाँ से सारे जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हैं। यूनिट 3 में देखिए ये आपका अरिथमेटिक है, यूनिट 3 में अरिथमेटिक दिया हुआ है आपका अरिथमेटिक, और यूनिट 4 में स्टैटिस्टिक्स, और बस यहीं तक आपका चैप्टर है ना, यूनिट 4 तक ही आपका चैप्टर है। तो यूनिट 3 में अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सर्फेसेस, तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे अच्छे से टॉपिक्स है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको भी मैं पढ़ाऊँगी यूनिट 3 के अंदर, अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा। और यूनिट 4 जो है ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये VBU में भी सिलेबस है, तो यहाँ पे क्या है आप देख लीजिए कि सारे टॉपिक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन यूजिंग बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, एडिशन थ्योरम,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बच्चों मैंने, मुझे पूरा सिलेबस याद है और मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो आपका ये यूनिट है ना, सेम टू सेम विभियो का यूनिट है। सेम टू सेम आपका जो है ये जो है यूनिट फोर जो है आपका विभियो में मिलता है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो है। आप, मैंने सिलेबस वहाँ पे बनाया है तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे भी कि ये सेम टू सेम सिलेबस वो आपका है। तो मैं क्या करूँगी कि आपको बस बीबी एम क्यू में बस आपको यूनिट थ्री और यूनिट टू पढ़ा दूँगी और आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और नोट्स अच्छे से अगर बना लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो एकदम अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं अगर आप उससे पढ़ते हैं और उससे वीडियो बना लेते हैं। तो यूनिट फोर और यूनिट वन मैं वीबीयू में ही पढ़ा दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यूनिट वन तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और यूनिट टू जो है आज आपका वीडियो आ जाएगा किसी भी टाइम, तो आप यूनिट टू और यूनिट थ्री मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो यूनिट टू का आज वीडियो आ जाएगा और यूनिट थ्री भी कुछ दिनों में पढ़ाई हो जाएगी, और यूनिट फोर मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है वीबीयू में, ठीक है ना। थैंक यू।